बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय नहीं रहता और इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए, इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री रहा करती थी, दोनों ही बहुत अच्छे थे, सुशील थी, उसकी स्त्री रूपवती थी और दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इस कष्ट से वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर के भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निह संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निह संतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिरकर तथा अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ, आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया और वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया और चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति बहुत शीघ्र होगी, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु अवश्य होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर आज के दिन शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना और प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खाएगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती अवश्य हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष भी देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था, परंतु कई बार प्रयत्न करके भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वो विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा, भोले शंकर की वंदना करने लगा और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा कर इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणपति देव की प्रार्थना कर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था शायद वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं देता। उस फल को लेकर धनेश्वर ब्राह्मण जल्दी से तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर के दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खाया। इसके पश्चात वह शीघ्र ही गर्भवती हो गई
और देवी माँ की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति पढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था और पढ़ने में भी निपुण था। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा, जिससे उनके पुत्र की आयु दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू की और वापस से पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत करने का संकल्प लिया और कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। धनुर्वात एक प्रकार का वायु रोग होता है, जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि लड़की के ससुर ने निश्चय किया कि देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं एक बार इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें सौंप दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो जाएं। और तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वो सब आपको हमें देना पड़ेगा, तब मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ जब वो देवीदास भोजन करने बैठा तो अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह स्त्री कैसी होगी, और एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है, देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी, हे स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे दोनों बड़े प्रेम से सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नग से जुड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ, मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा ये फूल अपने आप ही सूख जाएंगे, और जब अगर ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया और प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को अच्छी तरह से देखा
और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह हुआ ही नहीं है, और यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उनको दिखाए, तथा रात में मैंने जो गुप्त बातें कही थी वह भी सब सुनाए। पिता ने उसके कथन कहने के अनुसार वर को बुलवाया और कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान के चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्यान्ह के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती माता वहां भगवान शंकर के साथ आ गई और उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणों का दान करें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणों का दान किया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है, सब मर चुके हैं, तो उसको अत्यंत ही दुख हुआ और धीरे धीरे एक दिन अचानक जैसे ही वह हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 16 वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ वापस काशी की ओर चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए और देवीदास को आता देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उसे अपने साथ घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। और उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सभी नगरवासियों ने आनंद बनाया। और श्री कृष्ण भगवान कहते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से सदा के लिए पुत्रवान हो गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। और जो भी स्त्रियां इस प्रकार इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है, यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव शंभो। कथा संपूर्ण होती है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।